हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे प्रचारिणे निर्विष
निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी धन्यवाद। तो कल आपका जो विश्व भ्रमण था वो आधा रह गया। वास्तव में वो विश्व भ्रमण नहीं था, वो विश्व तीर्थ यात्रा थी। क्योंकि तीर्थ कहाँ होते हैं कौन जानता है? नाम वसामि वैकुंठे योग नाम हृदय नचा आगे मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र सिष्ठामि नारद। तो जहाँ जहाँ लोग भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं वहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं तीर्थ धाम तो वहीं होता है ना। तो इसलिए वो जो विश्व भ्रमण था वो विश्व भ्रमण एक तरह की विश्व तीर्थ यात्रा थी जो आपकी कल अधूरी रह गई। आज हम बाकी की यात्रा आपको कराएंगे। ऐसा है, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी ये जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में सतयुग में द्वापर में त्रेता में सब जगह राक्षसों का भी विवरण दिया गया है। जो राक्षस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, खूंखार होते हैं, नाखून होते हैं उनके, काले कपड़े पहनते हैं, बहुत सो के सींग भी होते हैं। तो ये जो सब राक्षस हैं ये कलयुग में कहां गए? कलयुग में ये सब राक्षस कहां गायब हो गए? क्या भगवान ने ऐसा सबको मार दिया कि अब ये वापस नहीं आ रहे? सबको मारने का कार्य तो भगवान राम त्रेता में ही कर गए थे। जब भगवान राम ने त्रेता में राम राज्य प्रारंभ किया
वो प्रारंभ करने से पहले ही ज्यादातर सारे राक्षस मार दिए थे और जो एक दो रह गए थे वो बाद में उन्होंने निपटा दिए। लेकिन फिर द्वापर में राक्षस कहां से आए? वो तो ऐसा हुआ कि राक्षसों को तो भगवान राम ने मारा, लेकिन जो राक्षसों के छोटे छोटे बालक थे और जो राक्षसों की स्त्रियां थीं, उनको भगवान राम ने नहीं मारा, बल्कि उनको तो प्रोटेक्शन दी, उनको सहारा दिया और वो ही धीरे धीरे बड़े होके फिर से राक्षस बन गए। तो इसलिए द्वापर में फिर से सब राक्षसों की कथाएं आती हैं। कौन जानता है कि भगवान राम ने इस पृथ्वी पर राम राज्य कितने साल किया? कोई बताएगा नहीं, खाली हाथ ऊपर करना है। भगवान राम ने राम राज्य इस धरती के ऊपर कितने वर्ष तक किया? पूजा की मम्मी के अलावा वो वाली माता जी, ग्यारह हजार वर्ष। कहां से आपको ये पता लगा? क्या बता रहे माता जी? किताब में पढ़ा था माता जी का उत्तर बिल्कुल सही है। कितने लोगों को यह बात पता थी? हाँ, आप तो सब कहेंगे नहीं नहीं हो सकता है, आप लोगों को पहले पता। 11,000 साल तक भगवान राम ने राम राज्य किया, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि उन दिनों त्रेता में आम लोग 10,000 साल के करीब जिया करते थे और द्वापर में आम लोग करीब 1,000 साल, और सतयुग में उम्र कितनी हुआ करती थी जैसे आजकल लगभग 100 साल है, 1,00,000 साल। इसलिए आप कभी शास्त्रों में पढ़ेंगे सतयुग की कथाएं तो उसमें लिखा होगा कोई 40,000 वर्ष के लिए तपस्या के लिए चला गया, 50,000 वर्ष के लिए तपस्या के लिए चला गया, 60,000 वर्ष के लिए भी लोग तपस्या के लिए गए हैं। आज कौन जा सकता है? हस्तिनापुर वाले, क्योंकि इतनी उम्र ही नहीं है और सतयुग में इतनी उम्र लोगों की थी इसलिए ऐसा किया जा सकता था। तो ये राक्षस सब कहां हैं? रावण की कथाएं हैं और हिरण्याक्ष, जिसके लिए भगवान ने वराह रूप में अवतार लिया, हिरण्यकशिपु जिसके लिए भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय। तो ये सब राक्षस कहां चले गए? श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज ने बताया, ओ कोई बता सकता है, किसी को पता है ये सब राक्षस कहां हैं? यही है। कैसे ढूंढेंगे? जो खाने पीने वाले हैं। राक्षसों ने दाढ़ी मूछे साफ करा ली हैं, सींग वगैरह सब कटवा लिए हैं, नाखून भी अच्छी तरह से छोटे छोटे करा लिए हैं और आजकल पैंट शर्ट और सूट, थ्री पीस सूट पहन के टाई लगा के घूमते हैं। क्योंकि राक्षस किसको कहा जाता है?
जो भगवान के अस्तित्व को नकारे वो राक्षस होता है। ये जितने भी राक्षस हैं आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये सब भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। तो उसी प्रकार से ये आजकल के राक्षस हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं। क्या बातें? कि भगवान ने हमें नहीं बनाया। किसने बनाया? बंदरों ने। किसी बंदर के घर किसी इंसान के, किसी मनुष्य के पुत्र का जन्म हो सकता है? तो कहां से हम बंदरों से आ गए? और अगर मान लो धीरे 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 कोई बंदरों से, हम ये कहते हैं कि मनुष्य बंदरों से बन भी गया, तो मनुष्य और बंदर के बीच के सारे वो लोग कहां हैं? उसको कहते हैं मिसिंग लिंक। जैसे जो चेन है, चेन में जो कड़ियां हैं वो सारी जुड़ी हुई होनी चाहिए, यहां बहुत सारी कड़ियां बीच में से गायब हैं, इसलिए इसको कहते हैं मिसिंग लिंक। डार्विन को, जब डार्विन ने अपनी थ्योरी बताई, उसको लोगों ने पूछा कि अगर ये सब है तो मोर कहां से आया? मोर के आगे और मोर के पीछे कोई ऐसा जानवर है या पक्षी है या पशु है कोई भी जो मोर के आसपास भी फटक सके? देखने में ये कहा जा सकता है कि भाई चलो जीब्रा है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ये थोड़े बहुत क्लोज हैं, ठीक है, लेकिन मोर के आसपास कौन है? और भी बहुत से प्रश्न पूछे गए। तो डार्विन ने स्वयं ही अपनी थ्योरी को जो है वो नकार दिया था कि ये मेरी थ्योरी जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग भगवान के अस्तित्व को नकारना चाहते थे, उन्होंने जबरदस्ती ये इस बात की स्थापना करने की कोशिश की कि हम लोगों को भगवान ने नहीं बनाया, हम बंदरों से आए। और हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? बंदरों से आया होगा डार्विन, हम नहीं आए, हमें भगवान ने बनाया है। कितने लोग यहां मानते हैं कि उन्होंने भगवान ने बनाया है, ना कि वो बंदर से आए हैं? वह तो सब लोग मानते हैं, चलो बहुत अच्छा है। और भी आजकल के बड़े बड़े राक्षस जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि इस संसार को भगवान ने नहीं बनाया है, उसका क्या नाम है? द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है अपने आप कहीं से कोई धमाका हुआ, उसमें पत्थरों के टुकड़े टूट गए और उसमें से एक टुकड़ा ये पृथ्वी है, जो ये अपने आप कहीं उसमें अंतरिक्ष में कहीं अपने आप घूम रही है, ये सब कुछ अललटप है, और उसके ऊपर अपने आप से कोई अमीबा हो गया और उसके ऊपर से अपने आप से कुछ सब कुछ हो गया, लेकिन ये थ्योरी में कोई दम नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये जान के शायद आश्चर्य हो कि आजकल ज्यादा दुनिया उस थ्योरी को मानती है और कम दुनिया ये बात मानती है कि इस संसार को, इस बहुत सुंदर संसार को भगवान ने बनाया है और इस इंसान को भगवान ने बनाया। जितने जीव हैं, कितने 84 लाख योनियां, सबको स्वयं भगवान ने अपने हाथ से, अपने मन की इच्छा से हम लोगों को बनाया है। तो जो लोग ये मानते हैं कि हमें भगवान ने बनाया, ये संसार को भगवान ने बनाया, भगवान इसको, संसार को बनाने वाले, इसके पालन करता सब भगवान है, वो लोग एक तरह से सुर हैं। भगवान को मानने वाले सुर या
आस्तिक। और जो दूसरे तरीके के लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हम बाय चांस बन गए, बाय चांस जैसे दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिल जाए तो एक बूंद पानी बन सकता है, इसी तरह से हम सब भी बाय चांस बन गए। वो लोग कौन हैं? वो असुर हैं, वो आजकल के राक्षस हैं। और जो लोग इस थ्योरी को फैला रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं और लोगों को इस बात को मनवा रहे हैं, स्कूलों में पढ़वा रहे हैं हमारे बच्चों को, वो उस तरीके के राक्षस हैं। तो हमारी जो संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसकी स्थापना हमारे गुरु हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने की, उन्होंने केवल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का ही स्थापना नहीं की, उन्होंने और भी कई संस्थाओं की स्थापना की है। एक संस्था है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत हमारी सब पुस्तकों का प्रकाशन होता है। उसके अलावा दूसरी संस्था है फूड फॉर लाइफ FFL, ये हमारे सारे विश्व में फैली हुई संस्था है। जहां कहीं भी कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसे हेटी में अर्थक्वेक आया, कहीं भी कोई भुज में यहां अर्थक्वेक आया था, कहीं भी कोई परेशानी आती है तो वहां के लिए हमारी टीम्स डॉक्टर्स को लेके, प्रसाद लेके, प्रसाद बनाने का सामान लेके, ये सब लेके वहां जाके लोगों को फूड रिलीफ, खाने प्रसाद खाने के लिए, खाना खाने के लिए, भोजन के लिए सहायता करते हैं। आज फूड फॉर लाइफ हमारी संस्था सारी दुनिया में वेजिटेरियन शाकाहारी भोजन, जहां कहीं भी कोई राहत की आवश्यकता हो उसको पहुंचाने वाली सारी संस्थाओं में सबसे टॉप नंबर वन है। तो उसके अलावा श्रील प्रभुपाद ने एक और संस्था की स्थापना की जिसका नाम है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट।